हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स एक घंटे से ज़्यादा के टाइम पीरियड का ये वीडियो है एक शॉर्ट डिटेल या डिस्क्रिप्शन आप समझ सकते हो कि इस वीडियो में आज के सेशन में हमने एक पूरा सिस्टम एक पूरा प्रोसेस बताया किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं कैसे हम लोग एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस टारगेट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस आप समझ सकते हो क्योंकि जब अपनी क्लासेस होते हैं तो क्लास के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आकर आकर के एक हफ्ते के लिए बेस मॉडल पर एक ट्रायल पर्पस से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये उस ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है क्योंकि नेक्स्ट वीक सभी लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एंड इस एग्जीक्यूशन के बाद में अब उनका पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है लाइक लोअर टाइम फ्रेम पर रीडिंग्स करने के प्रोसेस हाई टाइम फ्रेम पर रीडिंग करने के प्रोसेस स्टॉप लॉस इसके बाद में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर शुरुआत करने से पहले मतलब एक एक फुल प्रोसेस शुरू करने से पहले ट्रायल बेसिस पर हम पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और ये हर बार होता है तो नेक्स्ट वीक जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा ये उसका एक वीडियो है जो कि क्लास आपकी कल रात में हुई थी और उसी क्लास को हम आज पब्लिश कर रहे हैं इससे आपको भी बेनिफिट होगा इसका यूज़ करो ट्रेड एग्जीक्यूट करो कुछ अगर क्वेश्चन रहता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए उसका रिप्लाई आपको मिलेगा कुल मिला करके एक सही प्रोसेस में आकर के काम करो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ये वो चीज़ें जिसके ऊपर कोई भी बातें करता है डिस्कशन करता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं किसी को कोई लेना देना ही नहीं है सभी लोग बस वही ऑप्शन ऑप्शन उप्षयं का ये प्रीमियम ऑप्शन का वो प्रीमियम तरह तरह के स्टडीज़ ओपन इंटरेस्ट से कोई बता रहा है कोई गैन लेवल से बता रहा है कोई इंडिकेटर यूज़ करो हर कोई अपने तरह से बस ऑप्शन ट्रेडिंग करना है बस इसी तरह का मैसेज जा रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा इस चीज़ से बचो कभी कदर जब कुछ लोगों से हमारी बात होती है तो ये होता है कि अच्छा हम एक लाख रुपये ले करके आए तो इसे कितना पैसा बन जाएगा एक लाख रुपये बेसिक आप ये मान करके चलो आपको पैसा मार्केट में ले कर के नहीं आना बड़ा पैसा नहीं लाना है बड़ा पैसा अपनी जेब से नहीं लाना अपनी जेब से आप दस हज़ार रुपये लगाओ दस हज़ार रुपये ही लाओ लेकिन ऑप्शन से जितना हो सके बचो कैश सेगमेंट में आओ दस हज़ार रुपये ला करके ला कर के काम करो अगर आप दस हजार का एक लाख बना ले रहे हो अगर आप सौ रुपए का स्टॉप लॉस बचा ले रहे हो तो फिर आप हजार रुपए का स्टॉप लॉस भी बचा लोगे बहुत आराम से अब आपसे सौ रुपए का स्टॉप लॉस सेफ नहीं हो रहा आप सौ रुपये सौ रुपए का स्टॉप लॉस ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो आपको लगता है कि आप एक हजार का स्टॉप लॉस ऑप्शन में जा करके प्रोटेक्ट कर लोगे तो ये तो बेवकूफी हुई ना इसलिए एक सही सेगमेंट चुनो जहाँ पर प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और कम पैसे में काम हो एक ट्रेडेबल सेगमेंट चुनो बिना इंडिकेटर के वॉल्यूम के बेसिस पर काम करो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा करते आज की वीडियो क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डिंग है समय रहता है थोड़ा बहुत तो एक, एक रिलैक्सेशन के साथ क्लास होती है तो मे भी हो सकता है कहीं कहीं पर लगे कि क्लास बहुत लंबी हो रही है खींच रही है तो वो नॉर्मल डिस्कशन है हुई उस वक्त मेरे मन में क्या आया उस वक्त हमने क्या फील किया वो हम बोल देते हैं और साथ ही साथ जो अपनी स्ट्रेटजी या जो सिस्टम हम जिसके ऊपर काम करवाना चाह रहे हैं वो सिस्टम भी डिस्क्राइब हो रहा है सो so, अगर बहुत आपको लगे कि नहीं बहुत स्लो हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लो उसकी कुछ फैसिलिटीज़ होती है ना कि नीचे जीरो वन पॉइंट फाइव या कुछ एक्स करके आप बढ़ा सकते हो तो वैसे स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो या लगे कि नहीं आराम से रिलैक्सेशन के साथ रिलैक्सेशन के साथ देखोगे तो उसका अपना अलग उसका फ़ायदा ही होगा तो आराम से पूरा वीडियो आप इंजॉय कीजिए थैंक्स एंड फिर मिलते हैं इन दोनों में ओपी यू टी और एम के आर में डिफरेंस वाइज देखोगे या ऐसे वाइज देखोगे हाँ एक चीज बोल रहे थे कि एक एक चीज हमेशा याद रखिएगा कोई भी चार्ट जो कि बन चुका है जो प्राइजेक्शन उसके अंदर के हो गए हैं हमें उनसे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है इन फ्यूचर जो प्राइजेक्शन के मूव होंगे जो मूवमेंट्स होंगे उनको अगर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं रीडिंग कर लेते हैं एक सही दिशा में एनालिसिस करने के बाद एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ अंदाजा लगता है कि कल के मूव क्या हो सकते हैं डिपेंड ऑन पास्ट मूव या प्रीवियस मूव्स अब यहाँ पर देखो ओपी में क्या हुआ है सिर्फ इत, इस इतने हिस्से को देखिए जितना चार्ट अभी अपने सामने मौजूद है जो चल चुका है इसको पढ़ो और क्या बन सकता है यहाँ पर अगर हम ये लाइन रिमूव कर दें हटा दें तो हमें क्या समझ में आता है सिंपली एक स्टॉक अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है ये देखिए

स्टॉक सिलेक्शन के बाद में उस स्टॉक में एक्चुअली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग्स क्या होंगी हाई टाइम फ्रेम की रीडिंग्स क्या होंगी उस स्टॉक के अंदर हमारा रिस्क और मनी मैनेजमेंट क्या होगा एंट्री स्टॉप लॉस ये हमारा फर्स्ट वीक है इसमें एक ट्रायल के बेसिस पर इस वीक हम आपसे कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवाएंगे और ये मान के चले गए ये सिर्फ इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ये शुरुआती फेज है ना ही तो अभी तक हमने आपको कोई स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बताया ना ही अभी तक हमने कोई फॉर्मेशन आपको बताई वो चाहे तो हाई टाइम फ्रेम की हो चाहे लोअर टाइम फ्रेम की

रिलायंस का हमारा ये एरिया है अभी हम बताएंगे आपको आगे चल के, के मार्किंग किस तरह से करनी है तो हमने मार्किंग तो ऐसे कर ली ले, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे इसमें क्या करें सेल करें बाई कीजिए करें? मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इधर से तुरंत रिप्लाई मिलेगा करना क्या है एक्चुअली उसके अंदर या सही स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किया भी है या नहीं किया है इसको तुरंत मतलब ये लाइव मार्केट का हम लोग का एक्सपीरियंस रहेगा लाइव मार्केट की एक्सरसाइज रहेगी और ट्रेड्स करने सभी ठीक है तो एक मान के चलो एक बेसिक सी ये एक्सरसाइज है जो इस पूरे वीक हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक जो पूरा प्रोसेस होता है शुरुआत से लेकर के लास्ट तक का उस प्रोसेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ समझने की सीखने की कोशिश करेंगे शुरुआत यहाँ से करते हैं अभी अगर हम लोग नेकेट जाएंगे ना ओ पी में हाई स्लोज हाई स्लोज हाई स्लोज माँ करते हुए तो समझ में नहीं आएगा कि करें क्या अब हमें चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू इसको मार्केट को एक्चुअली देखना कैसे है क्योंकि हमें फिक्स करना पड़ेगा आप मार्केट को कैसे देखते हो ट्रेंड लाइन के थ्रू देखते हो ऐसे या फिर एक बेस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू देखते हो जैसे हमें समझ में क्या आता है सबसे ज्यादा ये वाला एरिया हमें हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ज्यादा पसंद है कि मार्केट वहां पर है रुके अगेन अब हमें ये प्राइजेक्शन सबसे प्यारा लगता है कम अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ट्रेंड लाइन से क्योंकि ट्रेंड लाइन ज्यादातर फेल होती है इनके कुछ अपने टेक्निक्स होते हैं उनको सीक्रेट भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये सीक्रेट है फलाने सीक्रेट है लेकिन ज्यादातर बार हमने देखा है ट्रेंड लाइन फेल होती है इनके यूज करने की टेक्निक्स तो दूसरी है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हॉरिजोंटल लाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सही प्राइजेक्शन के ऊपर के ऊपर तो।, तो अभी फिलहाल के लिए हम इस सिस्टम को तो बिल्कुल करेंगे। हमें चाहिए बिल्कुल फिक्स करना होगा कि हमें रीडिंग्स करनी कैसे। ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट में गया तो उसके अंदर हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगे नई नई खोज करने लगे कि यहाँ पर देखो एक ये बन रहा है टूट जाए या यहाँ पर देखो कुछ कुछ तो बन रहा है इस तरह से करते हुए चलो ये टूट जाएगा तो यहाँ तो शॉर्ट कर देंगे ये यहाँ पर देखो कुछ तो बन रहा है आ, यहां से ये सब नहीं करना है लाइव मार्केट में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं तो सिंपली एक चीज फिक्स लाइन ऐसी कैंडल फाइंड करो जो कि कॉमन हो उस पूरे प्राइस एक्शन को लेकर के या फिर ऐसा कोई स्विंग हाई या स्विंग लो फाइंड करो जो कि कॉमन हो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है हमने सिर्फ एक लाइन रखी प्राइस को दो हिस्से में बांट दिया अब ये जो पार्टीशन हम लोग मार्केट के अंदर करेंगे एक्चुअली वो ही वो जो पॉइंट ऑफ एक्शन है जिसने पार्टीशन किया है ये दिखाता है कि क्या आपकी मार्किंग के अकॉर्डिंग सपोर्ट क्या है या फिर रेजिस्टेंस क्या है अब ओ पी यूएस जीटी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखो ये पार्टीशन कितना अच्छा वर्क कर रहा है ये सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक कर देने के बाद में यहीं से मार्केट फिर सीधे नीचे की तरफ चली गई अब नीचे जब मार्केट जा रही तो यहां पर ट्रेंड लाइन बन रही है, फलाना, सब बन रहा है सब हो रहा है तो है, यहाँ पर कोई भी बचेगा इसका मतलब मार्केट में गलत सिस्टम यूज करने के बाद में अगर आप बच गए तो इसका मतलब ये होता है अगली बार आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा जिस झटके से आप इस बार बचे हो गलत सिस्टम से बनाया गया प्रॉफिट लॉस से भी बड़ा लॉस होता है क्योंकि एक तो गलत सिस्टम है ऊपर से आपने कर लिया प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको मालूम है कि है कि झूठा वो एक एक्साइटमेंट होती है उस एक्साइटमेंट के चक्कर में आपको मारनी थी और आपने मार दी सौ सौ क्वानिटी क्योंकि सौ क्वान्टी में आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया लेकिन सिस्टम तो गलत है अब ढाई सौ के साथ में आपने लगा दिया कर लिया लॉस तो मॉरल ऑफ द स्टोरी गलत सिस्टम से अगर प्रॉफिट भी हो रहा है ना तो बहुत खुश मत हो गलत सिस्टम से बनाया गया लॉस वो सही है अब यहाँ पर देखिए जैसे रेजिस्टेंस ये मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन रेजिस्टेंस ये पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पर गए यहाँ पर देखो तो मिल रहा है हमको सपोर्ट 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 अब ये ये जो भी हमने लाइंस वगैरह ड्रॉ किए जो भी हमने उल्टी सीधी लाइंस बनाई हमें क्या समझ में आया इसको देख करके बेसिक नॉर्मल से थिंकिंग क्या आ रही है चित्रा जी जब भी प्राइस को अगर हम लोग रीड करेंगे तो बिल्कुल ऐसे चित्रा जी को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चित्रा जी सबसे ज्यादा मतलब आप लोगों के एक्सपीरियंस के कंपेरिजन उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है आप लोगों का तो है चलिए तीन साल चार साल सभी लोगों का एक्सपीरियंस होल्ड करो उनका नहीं है इतना ये जितनी भी कैंडल्स में इनको दो पार्ट में डिवाइड किया अब हमें इस समझ में इससे ये आया ये आया कि देखो प्राइस तो चल रहा है लेकिन अगर हम लोग कोई भी अगर एक्शन करना अगर इस लाइन पर करते हैं भले ही आप बाई करो या सेल करो अगर इस लाइन पर करते हैं तो चांसेस कितने हैं कि मूव आपके डायरेक्शन में हो या फिर कम स्टॉप लॉस के साथ बड़ा मूव समझ में आ रहा ना चार्ट वही है सिर्फ हमने अपना एक मेथड फिक्स किया Horizontal lines और अब यहां से अपनी शुरू हमेशा याद रखना सभी लोग ये ये जितना ये भी बन रहा है है ना जरूरी नहीं है। आप अभी जाओ, अभी जाओ ही जस्ट को करो आपके इस तरह की दिख जाए या जाओ तुरंत आप स्ट्रीट सीमेंट को ओपन करो आपको ये कंडीशंस दिख जाए जीएसडब्ल्यू मतलब कोई भी स्टॉक ओपन करो ये कंडीशंस दिख जाए ऐसा नहीं होगा हो सकता है आप दस या पंद्रह पर विजिट करो उसमें से चार या पांच स्टॉक्स में मुश्किल से चार या पांच स्टॉक्स में आपको इस तरह के प्राइजेक्शन दिखे आप ड्रॉ कर लो और अब काम करो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंट हो करके आप काम करोगे अच्छा गलतियां यहीं पर होती है कि हम लोग स्टॉक ऐसा उठा लेते हैं जिसमें वो प्राइजेक्शन नहीं बना होता है जिसकी, जिस की हमें डिमांड होती है जिस प्राइजेक्शन को हम थोड़ा सा सही से समझ सकते हैं अब क्योंकि वो प्राइजेक्शन नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर वो प्राइजेक्शन होना चाहिए अब हम जबरदस्ती वैसा प्राइजेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअली है ही नहीं अब यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है तो वो जो स्किप करने की एक टेक्निक होती ना कि नहीं मैं ये स्किप करना है ये चार्ट वो कम से कम उतनी उतना ब्रेव आपको बनना पड़ेगा हमें स्किप करने की पावर्स हो ताकत हो कि हम अपने चार्ट को स्किप करें क्योंकि दूसरे चार्ट जाना एक को स्किप करना इसमें बहुत एक बहुत पेशेंस लेवल टेस्ट कर देती है मार्केट आप बहुत जल्दी किसी चार्ट को स्किप नहीं कर सकते एक दो तीन चार पांच सात आठ नहीं मिला हम ट्रेड नहीं करेंगे ये ट्रेड नहीं करेंगे तक का सफर ना ये बड़ा मुश्किल होता है चलो हमें सिस्टम नहीं समझ पा रहे हम ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन इससे पहले फिर ये ये ये, ये साइकोलॉजी है पूरी देखिए ये चल रहा है गेम माइंड में चल रहा है धीरे धीरे अगर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया या हमसे आज ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं तो हम अंदर ही अंदर ये मान लेते कि हमें आता ही नहीं है हम इस पॉइंट पर पहुंच नहीं पाते कि एक्चुअली मार्केट मार्केट ही ट्रेडेबल नहीं थी आज की कुल मिलाकर के इस तरह का प्राइजेक्शन फाइंड करो अगर मिल जा रहा है अब आप प्रोसीड करोगे आगे के लिए है ना बिल्कुल सिंपल सी चीज है अब इसी के बाद में में एक जो दूसरा चार्ट हम आपको बार बार बता रहे थे MKR का देखिए क्या हुआ है वहां पर तो प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर गया और ये एक रेजिस्टेंस बनाया और सपोर्ट बना करके भी सपोर्ट के ऊपर वो कर रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है ओपी और अब एम के आर में क्या हो रहा है इसका रेजिस्टेंस एरिया ये हमने एक जोन पूरा का पूरा एक जोन मार्क कर लिया इसने क्या किया कि एक सपोर्ट बनाया ये देखो सपोर्ट बनाना और इस सपोर्ट के बाद भी सीधे नीचे की तरफ गिर गया और अभी यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है आप एक चीज समझो हमने सपोर्ट तो मार्क कर लिया सॉरी रेजिस्टेंस तो मार्क कर लिया सपोर्ट क्यों मार्क नहीं किया सपोर्ट भी तो होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर सपोर्ट है ही नहीं जरूरी नहीं है कि जो भी स्टॉक अप उठा उसमें अगर रेजिस्टेंस मिला तो सपोर्ट भी मिले नहीं मिलता आप ढूंढते रहो गलत चीज फाइंड करोगे ना अभी हमने बताया ना वो जो स्किप करने का एक प्रक्रिया होती है ये मानना कि यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं है ये हम मान ही नहीं पाते और यही लॉसेस करने के रीजन होते हैं पहले तो उसमें बिलीव करो कि जो देख रो हाँ हम ठीक हम सही देख रहे अभी हमें जितना आ रहा है हमें इतना ही आ रहा है फालतू की मास्टरी नहीं करनी उसके अंदर पीएचडी नहीं करनी है सपोर्ट है ही नहीं आप से सपोर्ट ड्रॉ कर दोगे तो जब नहीं है तो फिर ड्रॉ नहीं होगा वो या तो हम बनने का वेट करें जिस तरह का सपोर्ट एरिया चाहिए अब यहाँ पर आप नए नए एक्सपेरिमेंट करो नहीं यहां पर देखो सपोर्ट है तो ये देखो ये मार्केट रुकी है तो फिर इन कैंडल्स का क्या अगर हम डाउन साइड की तरफ ले आएंगे तो फिर तो ये स्विंग बन जाएगा एक स्विंग फॉर्म होने में और एक सपोर्ट के फॉर्म होने में बड़ा फर्क होता है अच्छा जितनी बातें हम बोल रहे हैं ना ये, कि, ये एक तरह से मान लो किसी किताब किताब में नहीं मिलेंगी पूरा का पूरा हमारा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मार्केट को देख के थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आया हम भी बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा मार्केट को नहीं समझ लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ रहे हैं ना उससे ये चीजें तो क्लियर हो जा रही है फिलहाल कि स्विंग्स में या फिर टेक्निकल जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं उन सभी में सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी सभी अलग अलग आपको मिलेंगे अब यहाँ पर जब सपोर्ट नहीं है तो हमें करना क्या फिर आगे क्या करना है जबरदस्ती फाइंड मत करो जो चीज सामने दिख रही है उसके ऊपर फोकस करो फालतू का उसमें आप अपनी ट्रेडर गिरी झाड़ने जाओगे तो फिर मार्केट आपको बाहर निकाल देगी तो हटा तुरंत डिलीट मारो यहां देखिए ओपी के अंदर तो हमें मिला हमने तुरंत ड्रॉ कर लिया फटाक से हमने ड्रॉ कर लिया लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा यहाँ हमें क्या है कि यार रेजिस्टेंस हमें वेट करना है सिर्फ और सिर्फ हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारा जब इस लेवल तक जाएगा ना हम तभी काम करेंगे अभी जितनी भी देर अपनी क्लास चली उसमें क्लियर क्या हुआ इसका एक समप किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सबसे पहले तो जो चीजें दिख रही हैं जो चार्ट सिंपली दिख रही हैं उसके ऊपर बिलीव करो जो चीज नहीं है उसको फाइंड करने की ट्राई कोशिश मत करो कि हमें ये चीज चाहिए और वो चार्ट पर है हमें दिख नहीं रहा है तो हम जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस को सही पार्टीशन में डिवाइड करो तीसरा जरूरी नहीं है कि जब आप पार्टीशन में डिवाइड करने जा रहे हो अपने चार्ट को या अपने स्क्रिप्ट को तो वो डिवाइड करने वाला हो ही हो सकता है वो डिवाइडेबल हो ही ना और हम जबरदस्ती करें उस चार्ट को तुरंत स्किप करो एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड करो सही पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब कि जहां पर मार्केट अपने आप को प्रूफ कर रही है मूव 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 नेक्स्ट क्या हो सकता है हमें यही चाहिए ये यह सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को देखने का बाकी अगर आपको इसे ट्रेड करना है ट्रेड कर लो इसको ट्रेड करना है ट्रेड कर लो सारी रंग बिरंगी लाइन खत्म हो जाएगी ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन रनिंग मार्केट में फिर सब निकल आता है तो भी ये MKR को हमने जैसे मार्क किया और ओपी यूएसटी टी को जैसे मार्क किया इन दोनों स्क्रिप्ट को निकालो क्लास खत्म हो जाने के बाद इन दोनों चार्ट्स पर की गई मार्किंग को आपको ऑब्जर्व करना है देखो कि मार्केट इस जगह पर क्या रिएक्ट रिएक्ट करती है किस तरह से रिएक्ट करती है क्या रिएक्शंस होते हैं इस तरह से की रीडिंग में हम लोग धीरे करके आगे है? अब एक का तरीका हम आपको बताएंगे यहाँ पर देखिए हम फटाफट पर चलते हैं या फटाफट से इंक्रीज इन ओवाई और इंक्रीज इन ये वाला ले, ले लेते हैं ये कौन सा है अच्छा यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे ऑप्शन के सारे स्टॉक्स और वो रहेंगे एफ को उठा लेंगे ना सिर्फ फ्यूचर्स को जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी यही आपके डिफॉल्ट uh, है बाकी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये यह। अच्छा यहाँ पर कई सारे मिल जाएंगे लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट अपने काम के ये है चारों इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और डिक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और डिक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज इन प्राइस

इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस गो इसे नोट कर लीजिएगा ये जितने भी स्टॉक आपके पास निकल के आए इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज इन प्राइस ये है मतलब ओआई भी इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है आपका और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज वाइज यहां पर आएगा और ओपन इंटरेस्ट इस एक जगह पर ऊपर के जितने भी आपके पास स्टॉक आए हुए हैं क्योंकि

इनक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इनक्रीज इन प्राइस क्लियर ना जो स्टॉक आपके पास आया आइडिया सेल पी एनबी नेशनल एल्यूमिनियम इंडस्टावर पांच स्टॉक्स को ले लेना है आइडिया है जैसे इस स्टॉक में हम लोग सिर्फ बाइंग करेंगे सिर्फ बाई होगी और कोई काम नहीं करना है टॉप फाइव जितने भी स्टॉक्स है इसमें हमें बाइंग करनी है और डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट वाले जितने स्टॉक डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और डिक्रीज इन प्राइस इसमें हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे इंक्रीज वाले में बाई और डिक्रीज वाले में शॉर्ट सेलिंग ये तो स्टॉक सिलेक्शन का सिंपल सा मेथड है यहीं से स्टॉक्स निकलेंगे और हम ट्रेड करेंगे ठीक है अब चलते हैं प्योर हम लोग अपने मेथड पर किस तरह से काम होगा एक्शन का एक पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा एक सिस्टम जिसके थ्रू हमें डेली टाइम फ्रेम पर रीडिंग करनी है एक सिस्टम जिससे हमें लोअर टाइम फ्रेम पर रीडिंग करनी है एक सिस्टम जिससे प्रॉपर हम लोग अपनी एंट्री लेंगे स्टॉपस लगाएंगे रिस्क और मनी मैनेजमेंट क्या होगा

मिल जाएगा आपको मिल जाएगा इसमें जाके जाएंगे तो ये मिलेगा सर हाँ मिल जाएगा आप क्लिक कर दें लिंक के ऊपर सीधे आप यहीं आ जाओगे बस इन ऑप्शंस का अच्छा। अब तरफ जो चार ऑप्शंस है ये ठीक है इसमें जाके, जाके जो आप करना है सर हाँ, इसी ही में थोड़ा सा बफर दे देते हैं ये कह सकते हैं कि इसका कोई ऐसा लॉजिक तो नहीं है लेकिन दो लाइंस में थोड़ा सा कंफर्टेबल हमें लगता है मान लीजिए हमें एक प्राइस ड्रॉ करना है एक प्राइस में ड्रॉ करना है वन पॉइंट फोर पॉइंट वन एट जीरो पर फोर पॉइंट वन एट जीरो पर ठीक है अब हम क्या करें ना फोर पॉइंट वन एट जीरो को ड्रॉ नहीं करके हम दो चार पाँच पैसे ऊपर और दो चार पैसे नीचे

लेकिन ये ट्वेंटी फोर आवर्स अपनी ओपन है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग साजिद जी सर ये आपने जो 15 मिनट्स के ऊपर डिवाइड किया है अपना चार्ट्स को सपोर्ट एंड रजिस्टर में तो 15 मिनट में चेक करना है या डेली भी चेक कर सकते हैं या कोई भी टाइम फ्रेम में फिफ्टीन मिनट पर चेक करिए और फोर आवर पर चेक कीजिए अच्छा ओनली फिफ्टीन एंड फोर आवर्स ओके फिफ्टीन एंड फोर और वो एग्जैक्ट स्विंग uh, पे लाइन ड्रॉ नहीं करना है सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अब स्विंग तो देखिए जैसे ये भी बन रहा है राइट right. है ना ये वाला आपका स्विंग एरिया है तो इस स्विंग yeah. का हमारे लिए कुछ इंपोर्टेंस हमें ऐसा लग नहीं रहा है कुछ खास इंपोर्टेंस है हमारे लिए वही एरिया इंपॉर्टेंट होगा जहां पर प्राइस आए ये मूव करे इस तरह का मूव इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट क्लास में आपने बताया था सर सपोर्ट एंड एंडस्टर में दो पॉइंट कनेक्ट होन, होना चाहिए हा, 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 तो अगर दो होते हैं यहाँ पे तो फिर हम कर, ले सकते हैं तब ले लेंगे तो फिर हम उस स्विंग को कंसीडर कर लेंगे लेकिन सिर्फ स्विंग है वहां पर कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ तो हम उसको नहीं लेंगे ओके सो स्विंग में भी आप यानी ये, ये देखते हैं कि कितना ऊपर और नीचे गया स्टॉक या छोटे स्विंग भी कंसीडर करना है ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन फिर से पूछिए नहीं जैसा कि जो जो छोटे वाला स्विंग होता है हाँ। वहां पे अगर दो पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं हाँ, उसको ले भी कंसीडर करना है हाँ। या बड़े वाले को कनेक्ट कर, कर, कर सकते हैं कर सकते हैं इसे कर लेंगे अच्छा आज का जो सिस्टम है ना रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है अह इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं पूरा प्रोसेस है शुरुआत से लेकर के लास्ट तक का तो हम लोग ये अपना एक शॉर्ट कोर्स भी हो सकता है जिस तरह से हम बताएंगे पूरा कि आपका प्राइस का पूरा फोर सी बोल सकते हैं उसका अच्छा इसमें कुछ एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे प्राइस को रीड करने के लिए कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे जैसे कि रीड करने के लिए ज़रूरी एलिमेंट हमारे लिए क्या होंगे सबसे पहला तो प्राइस इसके बाद में हम लोग वॉल्यूम्स का थोड़ा यूज करेंगे आफ्टर दैट वॉल्यूम प्राइस को रीड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करेंगे आफ्टर दैट आपके लोअर टाइम फ्रेम रीडिंग हाई टाइम फ्रेम कुछ रीडिंग्स होंगी ओके इसमें एंट्री फिर स्टॉप लॉस होगा फिर हमारा टारगेट होगा सबसे ऊपर हमें लिखना चाहिए था स्टॉक स्टॉक सिलेक्शन क्लियर ना और एक बेसिक फुल स्टॉक्स की जो कह सकते हम लोग इस तरह से एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे सबसे पहले तो प्राइस अच्छा इस प्राइस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो टाइम फ्रेम्स हमारे बेसिक टाइम फ्रेम्स क्या रहेंगे हम लोग जो अपने प्रॉपर टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं वो तो होते हैं हमारे डेली के डेली टाइम फ्रेम उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम हो जाता है हमारा क्या अभी क्योंकि ये बहुत एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज जिस हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम आपको कुछ फॉर्मेशंस भी देंगे पढ़ने के लिए फॉर्मेशंस होंगी कि हमारी रीडिंग को ये फॉर्मेशंस बड़ा आसान कर देती है बहुत ज़्यादा तो आसान नहीं कर देंगी लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुश्किल है ये हल करते जो फॉर्मेशंस होते चाहे वो हाई टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन हो चाहे आपकी लोअर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन दोनों फॉर्मेशंस तो अभी के लिए फिलहाल तो ना तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम की कोई फॉर्मेशन देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने के लिए सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेशन हम बताएंगे है ना एक बेसिक मॉडल जो हो सकता है एंट्री लेने का

कोई फॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे हम लोगों को यहाँ पर एक जो रीडिंग करनी है तो वो नेकेड आइज नेकेड आइज रीडिंग होंगी चित्रा जी और बाकी सभी लोग नेकेड आइज रीडिंग क्या होती है बिना किसी फॉर्मेशन के याद होगा अभी ओ पी यूएस और आपके एक दूसरा जो चार्ट था इन दोनों पर ही हमने कुछ लाइन्स एक एक लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन को Naked. बस ही देखते ही आपको समझ में आ रहा था कि दिस इस सपोर्ट या फिर वो है। था और फॉर्मेशन का तो यूज कर नहीं रहे तो सिंपली आप ये समझ लो कि जैसे एक ये लाइन है ये एक एरिया है अब यहाँ पर जो रीडिंग हम लोग करेंगे हमें देखना क्या है इसके अंदर बेसिकली जब हम कोई भी लाइन अपने चार्ट पर ड्रॉ करें तो वो इस तरह से रिएक्ट करें हमारे लाइन पर आते ही मार्केट ऐसे रुकना चाहिए हमें बिल्कुल सेम यही प्राइजेक्शन चाहिए अगर रेजिस्ट करे मार्केट तो बिल्कुल इस तरह से या फिर अगर हमें सपोर्ट भी दिखाई पड़े कि प्राइस इस जगह से किसी भी एक एरिया से सपोर्ट ले रहा है या सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो रेजिस्टेंस कैसा बिल्कुल आइडियल रेजिस्टेंस होना चाहिए इस तरह का अच्छा ऐसा नहीं कि हम ये ड्रॉ कर रहे हैं हो जाएगा। लेकिन यही चीजें हम चार्ट पर देखने के लिए जाएंगे ना तो वहाँ मुश्किल होती है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट प्राइजेक्शन दिखे एक बार टच करे मार्केट ऊपर ही है ऊपर ही घूम रही है फिर आया कहीं दोबारा से फिर ऊपर घूम रही है इस तरह का मूव लेकिन आपको अपने मन में ऐसा मान करके चलना है जो आपके मन के अंदर जो पिक्चर होनी चाहिए वो इस तरह की पूरी पिक्चर होगी आपको मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरह का फाइंड करना है एक्चुअली ये जो हम लोग रीडिंग करेंगे ना ये हमारी और ना हायर टाइम फ्रेम रीडिंग होगी हायर टाइम फ्रेम की रीडिंग होगी हायर टाइम फ्रेम की रीडिंग के लिए आवरली टाइम फ्रेम अभी जैसा हमने लिखा हुआ है आवरली टाइम फ्रेम पर ये जितनी भी हरकत हम करेंगे आवरली पर करेंगे आवरली टाइम फ्रेम पर हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जहां से मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्ट हो रही हो चाहे तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर रेजिस्टेंस के तौर पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या फिर उसी जगह पर ये हमारे बाकी ये तो हमें देखना है और क्या नहीं देखना है इसके अलावा अगर किसी भी तरह का प्राइजेक्शन आपको दिखाई पड़े कि हम लोगों ने एक लाइन तो ड्रॉ कर दी बट वहां पर जो प्राइजेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं वो वो सही नहीं है वो हमें अच्छे नहीं लग रहे अच्छे नहीं लग रहे हैं का मतलब कि प्राइस एक बार तो इस तरह से कर दिया ये ये ही ऊपर है दोबारा नहीं फिर ऊपर फिर ऊपर तो इन लाइन का फिर कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं बचा हम छोड़ देंगे हमें बिल्कुल आइडियल कंडीशन ऐसी चाहिए इसको ढूंढो मंडे से पहले पहले ऐसे स्टॉक्स निकाल करके रख लेना अपने पास जो स्टॉक सिलेक्शन का हमने तरीका बताया वो तो है उसमें तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना होगा बट इस तरह के एक्शन आपको संडे शाम को फाइंड करके रख लेने हैं कि मंडे को हमें देखना क्या और इस तरह के बहुत से स्टॉक आपको मिलेंगे बहुत से स्टॉक हमारे साथ एक जो सबसे बड़ा सबसे बुरा हुआ है ना मेरा लास्ट टाइम मोबाइल चला गया तो जितने भी हम आप एक जय है जय साहब के मेरे पास अवली टाइम के स्टॉक्स हैं उन्होंने इतने बेहतरीन फाइंड किए ना उतने अच्छे हम भी नहीं फाइंड कर सकते बहुत प्यारे प्राइजेक्शन उन्होंने फाइंड करके हमें भेजे हैं मोबाइल गुम होने की वजह से मेरा नुकसान ऐसे हुआ कि उनके जितने भी चार्ट थे ना वो सारे के सारे मेरे उसी में थे और अपने फुल है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे जरूरी होते तो उसको हम टेलीग्राम पर हमारे पर्सनल चैनल है वो प्राइवेट चैनल है तो वहां पर हम शेयर कर देते हम परमानेंट हमारे पढ़े रहते हैं हमें नहीं लगा था कि मोबाइल मेरा अच्छा जाएगा अगर मालूम रहता तो फिर तो हम सारी चीजें सेव कर लेते कहीं ना कहीं वो जाने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जैस आपके सारे चार्ट मेरे पास से चले गए अदरवाइज अगर हम वो चार्ट आपको फॉरवर्ड कर देते ना तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता आपको कॉन्फिडेंस हो तो अभी भी आ जाएगा अभी हम तो चार्ट आपको अवाली टाइम फ्रेम पर दिखाएंगे समझ में आता है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा लेकिन अगर वो होते चार्ट तो हम भेजते जरूर कहने का मतलब कि अवाली टाइम फ्रेम पर हमें बिल्कुल इसी तरह के प्राइजेक्शन्स चाहिए बिल्कुल ये वाले प्राइजेक्शन ठीक है अभी हम लोग बिल्कुल फर्स्ट प्राइस पर ही हैं ओके अच्छा दूसरी चीज जो यहाँ पर देखने वाली है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम का क्या रो, रोल होगा जैसे वॉल्यूम्स के कुछ ब्रेकआउट होते हैं अब इन वॉल्यूम ब्रेकआउट्स का क्या रोल है इसके अंदर ये एरिया है इसको कर लिया अच्छा जैसे जैसे मार्केट हमारी एरिया के पास जाएगी जैसे जैसे पास जाएगी या फिर जैसे प्राइस हमारे लेवल को टच करेगा इन पॉइंट्स को आप देखना कि वॉल्यूम्स में एक हलचल होती है वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगती है इस तरह से वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो जाएंगे फिर से ब्रेकआउट होंगे ब्रेकआउट होंगे वट इज वॉल्यूम ब्रेकआउट बहुत लोगों को मालूम होगा बहुत को नहीं मालूम होगा वॉल्यूम ब्रेकआउट का मतलब होता है अपनी जो लास्ट इसको ऐसे समझिए अपनी जो लास्ट वॉल्यूम है उससे ज्यादा की वॉल्यूम अगर उससे अगली कैंडल में आ गई वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या नहीं है मान लीजिए एक बार है हमारी चल रही है ठीक है इस तरह से ये क्या वॉल्यूम ब्रेकआउट है नहीं है यह वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है ये है वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर भी वॉल्यूम ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ, ये वो ये भी नहीं हुआ। हमें चाहिए ये भी नहीं है। लेकिन अब जो कैंडल बन रही है अगर इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो गई अपनी प्रीवियस कैंडल से विच इज कॉल्ड वॉल्यूम ब्रेकआउट सिर्फ अपनी लास्ट कैंडल से ज्यादा की वॉल्यूम वॉल्यूम के ब्रेकआउट होते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलते हैं तो यहां पर देखो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर भी देखो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ ये तो कोई वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है लेकिन इसके पहले हो सकता है कोई कैंडल अगर छोटी सी बनी उसके वॉल्यूम्स अगर ज्यादा आ गए तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो जाएगा और ये भी वॉल्यूम ब्रेकआउट है।, है ना ये होते हैं हमारे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट वॉल्यूम ब्रेकआउट का यहाँ पर क्या लेना देना जैसे ही हमारे लेवल पर हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर मार्केट टच करेगी वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आपको दिखेंगे और ये दिखते ही है कई बार दिखेंगे कई बार नहीं भी दिखेंगे लेकिन जब दिख दिखते हैं आपको वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट तो ये समझ लो ये पॉजिटिव सिग्नल होता है इसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट पर सपोर्ट के कन्फर्मेशन वॉल्यूम ब्रेकआउट के थ्रू अभी हम लोग कहाँ पर पहुंचे धीरे धीरे करके वॉल्यूम्स हो गया प्राइस हो गया लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग पर भी आया नहीं अभी हम लोग काम करें सीधे हाई टाइम फ्रीम की रीडिंग स्टॉक सिलेक्शन स्टॉक सिलेक्शन भी हमने आपको बताई दी शुरुआत वाला वो भी हो गया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अभी आपको क्लियर कर देना कि जो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस उसको बाई करना है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और डिक्रीज इन प्राइस उसको शॉर्ट सेल करना है तो इसमें आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया क्लियर ना अब हम लोग जो काम करें सीधे आवली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करें तो जितने भी हमने बनाए हुए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके अपने क्लियर हो रहे हैं टाइम फ्रेम की रीडिंग को अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं देखिए बेसिकली एक बेस मॉडल अपना हम रेडी करते हैं बेस मॉडल ये बोलता है कि हमें कोई भी नेकेड नेकेडाइज के थ्रू ऐसा चार्ट चाहिए जिसको कि देखते ही समझ में आ जाए कि मार्केट उस लेवल पर जाकर के रुक रही है नेकेड नेकेडाइज का मतलब हुआ कि बिल्कुल हमें देखते समझ में आ जाए हम वहां पर किसी तरह की फॉर्मेशन का यूज़ कर नहीं रहे वॉल्यूम के कुछ ऐसे खास मॉडल का यूज तो कर नहीं रहे हैं हमें चाहिए कि मार्केट जब रुके ना तो समझ में आ जाए अच्छा ये समझ में आ जाए जैसा क्या है कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ही चार्ट है और हम उसको देख नहीं पाते हैं बेस मॉडल का ये मतलब हुआ कि आने वाले टाइम में हम आपको जितने भी हायर टाइम फ्रेम की फिक्स्ड फॉर्मेशंस बताएंगे ना उन फॉर्मेशंस के डेड एंड पे जा करके या उन फॉर्मेशंस के पीछे का जो मोटिव है हमें प्राइस में या फिर हमें चार्ट पर एक्चुअली फाइंड क्या करना है हम क्या तलाश क्या करने रहे आए अपनी रीडिंग के थ्रू हमें चाहिए क्या क्या बस ऐसे ही कि प्राइस ऊपर गया इसने हायर हाई लगा दिया नीचे है लोअर लो लगा दे ये बॉस बन गया ये चौक मॉडल बन गया और हम अभी हमने अभी आईसीटी टी को कम्प्लीट कर लो प्राइज को कंप्लीट कर दिया लास्ट में क्या है लॉस क्या चाहते हैं हम रीडिंग करने के बाद में हमें जब हम रीडिंग करें ना तो हमें यह समझ में आ जाए क्लियर हो जाए कि एक्चुअली जाना कहाँ पर हम फाइंड क्या कर रहे हैं खोज क्या रहे हैं सर्च क्या कर रहे हैं इतनी सब लाइन ड्रॉ करके हम एक्चुअली पहुंचना कहां पर जाते हैं एक बार ये पिक्चर क्लियर हो तो जो नेक्स्ट वीक हम काम करेंगे ना हमें मोटा मोटा ये अंदाजा लग जाए कि हम काम किसके लिए करना चाहते हैं हम क्या खोज रहे हैं इसलिए हमने कोई फॉर्मेशन आपको नहीं बताई अभी तक कि दो कैंडल तीन कैंडल ऊपर या साइड में आपके वॉल्यूम्स के फॉर्म होने चाहिए ऐसा हमने कुछ नहीं बताया नेकेड अभी चलेंगे सिर्फ नेकेड हमें ये चाहिए कि मार्केट में कौन से प्राइजेक्शन पर हमें आगे चल करके काम करें किस हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो अभी हमें चाहिए कि कि वो प्राइस एक्शन जो आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये कुछ काम का बार बार अगेन अगेन तो करोगे तब क्यों नहीं जाएगी आपसे कुछ दुश्मनी थोड़ी ना उसकी ऑफ फाइंड कर लो कब सपोर्ट से बाई करें और कब सपोर्ट के ब्रेक हो जाने के बाद इस चीज को समझ लो इससे आसान भी और कुछ हो सकता है क्या इसका जो सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा अवली टाइम फ्रेम का कि हमें मालूम है कि हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ये है इसका मतलब ये हुआ कि हमें काम कहाँ पर नहीं करना है ये क्लियर हो जाता है हमें इस एक जगह पर काम नहीं करना है या फिर हमें यहाँ पर काम नहीं करना है हमें काम करना है बिल्कुल इस एक जगह पर तो हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन क्लियर हो जाते हैं हमें एक्चुअली किस जगह पर ट्रेड करना है ठीक है तो ये तो पूरा हुआ अपना डेली टाइम फ्रेम का अब मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेड करने के बाद में अपना एक ये एरिया निकाल लिया ये आवाली टाइम फ्रेम का है अब हम आगे लोअर टाइम फ्रेम पर अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पर देखना क्या है इसके अंदर हमें चाहिए सिंपली अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना है इस रूल को याद रखना अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना है तो वो हमेशा अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगी सपोर्ट ब्रेकआउट अगर उसे अप साइड की तरफ जाना है तो वो हमेशा अपने अच्छा इन दो के अलावा एक चीज और होती है प्राइस कैसे, कर, कैसे 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 करके अपने सपोर्ट या फिर को प्रोटेक्ट कर रही है अच्छा ये सारा काम जो हम लोग देखते हैं अपने हम देखते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन पर हमारा जो अपना पॉइंट ऑफ एक्शन होता है हमें इसी जगह पर सारी चीज़ें चाहिए अब हम लोग आवली टाइम फ्रेम से उतर के आगे सीधे लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रीट किस तरह से करना है इसको समझिए जैसे ही प्राइस आपका अप से डाउन साइड की तरफ आए हमें यहाँ पर सिंपली एक फॉर्मेट देखना है वो फॉर्मेशन किस तरह की होगी यहां से प्राइस को जाने दो आप अपसाइड की तरफ प्राइस यहां पर आया इसे अपसाइड की तरफ जाने दो याद रखना इसे या तो नोट कर लो ड्राइंग को पूरी प्राइस आपका सपोर्ट पर आया ना अब यहां से इसे ऊपर की तरफ जाने दो एक दो तीन तीन कैंडल इसे लगातार बना दो ग्रीन बाई मत करना अभी पर कोई बाइंग के सिम्टम नहीं है जैसे प्राइस सपोर्ट पर आए ग्रीन कैंडल बन गए अब बहुत से लोग बाई करते उनको करने दो भाई आप मत करो आप देखो कि क्या हो रहा है जो हम देखना चाहते हैं क्या वो हो रहा है ऐसा नहीं कि नई पिक्चर कोई बन रही है देखते ही बाई कर लेगा तो मतलब कि आप भी में से हो गए जो दो दिन के लिए मार्केट में आए ऑप्शन करने थीटा गामा ओपन इंटरेस्ट और पता नहीं क्या क्या तो देख करके आए चलो यहाँ से बाई होगा ऑप्शन राइटिंग बड़ा आसान बनाते ऑप्शन राइटिंग से तो बहुत पैसा आ जाएगा ऑप्शन राइटिंग ऑप्शन बार का तो चलो फिर भी एक है कि वो कुछ कंडीशंस हैं सौ रुपए की कॉल अगर आपने बाई की तो जीरो होकर के सौ आ जाएगी सेलिंग का क्या है पैसा तो देता है ऑप्शन सेलिंग और बाद में क्या होता है जिस दिन जाता है ना छत नहीं बसती है अपने सर के ऊपर तो अगर उस तरह से काम करना है तो क्योंकि यहाँ पर वो उसी तरह के माइंडसेट के लोग आएंगे काम करने के लिए चाहे स्टॉक्स हो चाहे ऑप्शन हो आपका देखते ही कुछ घर आप लोगों को वेट करना है जरा तीन ग्रीन कैंडल बन जाने दो एक बार बन गई ना अब एक हमें चाहिए नेगेटिव इस नेगेटिव कैंडल की एक खासियत ये होती है कि हमेशा ये अपनी सेंटर वाली कैंडल के लो को ब्रेक करता है ठीक फोर्थ कैंडल लो शुड बी लेस देन सेकंड कैंडल सेकंड कैंडल मतलब ये अपनी जो सेंटर वाली कैंडल है और इसका लो फोर्थ वाली कैंडल का लो ये ब्रेक होना चाहिए फोर्थ कैंडल फोर्थ कैंडल लो शुड बी लेस देन लेस देन सेकेंड कैंडल सेकेंड कैंडल का जो उससे भी कम फोर्थ वाली कैंडल का लो होना चाहिए अच्छा ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा आपका और ये हमारा एंट्री लेने का एक एरिया होगा हम चाहें तो आपको इससे भी एक ईजी मेथड दे सकते हैं मदर कैंडल के ऊपर लेकिन उसकी अपनी अलग टेक्निक है उसकी अलग अपना एक वॉल्यूम की पूरी फॉर्मेशन है वो हम बताएंगे अभी उतना कॉम्प्लिकेशन से मत जाओ सबसे सही जो हमें लगता है वो ये है अभी के लिए फिलहाल तो इस पूरी फॉर्मेशन का यूज करना है एंट्री लेने के लिए क्लियर ना पॉइंट ऑफ एक्शन हम लोगों ने निकाल लिया डेली टाइम फ्रेम पर रीडिंग सपोर्ट ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या सपोर्ट प्रोटेक्शन या रेजिस्टेंस के प्रोटेक्शन प्राइस को नीचे सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चला जाएगा प्राइस को अप साइड की तरफ जाना तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा यहां पर एक दो

ना ये पूरा एक रेजिस्टेंस बना हमने क्या लिखा ना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक दो तीन ग्रीन कैंडल इसके बाद रेड कैंडल फोर्थ कैंडलोड सेकेंड कैंडल ये हो गया अब यहां से मार्केट को वापस से अप साइड की तरफ जाने का अगर इसे ऊपर की तरफ नहीं जाना है तो ये क्या करेगा ना रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर देगा और अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा

रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे तो यहां पर क्या होगा अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो सपोर्ट प्रोटेक्ट होंगे और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे अब आप कर दो ट्रेड एसएल का वेट करना लेकिन पहले मत निकलना ठीक है क्या क्या हो गया अभी तक फाइव मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए लोअर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन जो फाइव मिनट पर लोअर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन थी ये यह यहां पर हमने क्लिक कर दी ये फॉर्मेशन किसकी थी आपके एंट्री के अब क्या बचा स्टॉप लॉस स्टॉपलॉस याद रखना जो भी आपका लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है जो भी लेटेस्ट स्विंग है वहीं पर स्टॉप अभी के लिए लगा देना जो सबसे लेटेस्ट पॉइंट है इसके कुछ परसेंटेज होती है आगे चल करके थोड़े बहुत तो रहेगा कुछ जैसे कि कुछ परसेंटेज होती है ट्रेड कब करना है कब नहीं करना है उसका अपने रूल्स रूल होते हैं कुछ जिनकी भी नाइन थर्टी पर क्लास थी सभी उनको तो सभी चीजें हमने बता दी हैं कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट फिलहाल अभी के लिए तो उनका टारगेट काफी कम में रखा हुआ है अब इस वीक से टारगेट हम इंक्रीज कर देंगे तो अभी फिलहाल आप लोग वहाँ पर ना नहीं लेकर के जाएंगे उस जगह पर कि सारी चीजें देखो समझो क्योंकि फर्स्ट वीक है एक तरह से ट्रायल बेसिस पर हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट वीक इसके ऊपर डिस्कशन होगा फिर लोअर टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम एक एक करके सारी फॉर्मेशन हम बताएंगे आप तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आपका अप साइड के जरिए आप ट्रेड मार दो स्टॉप लॉस लगा देना स्विंग का और टारगेट जो बुक करना मिनिमम रहेगा ये मिनिमम टारगेट कितना होगा हमारा वन थ्री का इससे कम में हमें अपना स्टॉप लॉस मंजूर है लेकिन हम वन इस टू थ्री से कम का टारगेट नहीं लेंगे हम वन इस टू टू वन इस टू टू पॉइंट फाइव हम नहीं लेंगे हमें चाहिए या तो वन इस टू थ्री या फिर हमारा आकर के स्टॉप लॉस ले लो सिंपल सी चीज है क्लियर ना यहाँ पर देखिए गेम क्या होगा आशु अभी हैंड्राइस मत कीजिए यहां पर देखिए गेम क्या होगा सबसे बड़ा क्योंकि कोई भी काम हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं कोई भी एक टास्क ले रहे हैं ना तो एक एक उसमें आप मान के चलो एक एक पॉइंट ऐसा आता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है अगर वो हो गया तो सारा काम हो जाता है यहां पर क्या है यहां पर वो हार्ड टास्क क्या है वो प्राइजेक्शन जहां पर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर आके ये एक्टिविटी करेंगे अच्छा ये एक्टिविटी ऐसी नहीं कि कहीं पर भी लगा दो कहीं पर भी लगाओगे तो काम नहीं चलेगा अवर्ली टाइम फ्रेम पर आकर के ही लगाना ठीक है ना अवली पर आने देना मार्केट को तब करना तो सारा का सारा जो फोकस आपको फर्स्ट वीक में जो आपको हॉर्डल पड़ेगा आपका सर दर्द करेगा वो इसको लेकर तो से ज्यादा पिक्चर्स ड्रॉ करो अवली टाइम फ्रेम पर सारी प्रैक्टिस करो और लोग टारगेट लगा के मेथड कितने हो गए एक तो आप प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक निकाल लोगे है ना एक्शन के अकॉर्डिंग अपने स्टॉक ऐसे ही टैप कर करके एक एक स्टॉक को चेक करना होगा एक एक स्टॉक को चेक करके एक्शन के थ्रू अपने स्टॉक निकाल लोगे जहां पर भी आपको एक्शन देखेगा कल जहां भी मार्केट है आप करना एफ के बाहर मत निकालना लेस वॉल्यूम स्टॉक्स मत उठाना और दूसरा जो भी स्क्रीनर आपके ग्रुप में हमने शेयर किया है ना उस स्कैनर के थ्रू जो भी स्टॉक्स निकल के आएंगे उसमें ट्रेंड आइडेंटिफाइड है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है अगर ठीक तो है।, तो है जो स्टॉक्स स्क्रीनर्स से आएंगे वो मुश्किल है थोड़ा सा कि आवाली टाइम फ्रेम पर आपको इस तरह के प्रेजेक्शन दिखाई दे लेकिन ट्राई करना कोशिश यही करना कि आवाली से ही ट्रेड करो और उन स्टॉक्स से जितने उस स्कैनर से जितने स्टॉक्स निकल रहे प्रायोरिटी तो आप इनको दोगे जो आपको एक एक करके जो क्या मैन्युअली जितने स्टॉक्स आपके निकले यहां से जो भी स्टॉक आएंगे उसके ऊपर काम करना एंड देन आप उस स्कैनर पर जाना स्कैनर में जितने भी स्टॉक्स आए हमें इतना कॉन्फिडेंट है अगर उस स्कैनर में दस स्टॉक आपके पास दिन में आ रहे हैं ना तो उसमें से दो से तीन स्टॉक ऐसे होंगे जो टाइम फ्रेम आप टाइम फ्रेम बहुत अच्छे प्रेजेक्शन बना करके दे देंगे एक चीज और ध्यान रखना जरूरी नहीं है आज हमारे स्कैनर में जो स्टॉक आए उसको सिर्फ हम आज के लिए ही देखेंगे आप कल भी उसको देखना हो सकता है आज आपके एरिया पर नहीं लेकिन वो कल आपके एरिया पर आए तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना मैनुअली मैनुअली uh, जितने स्टॉक्स निकालोगे उनको भी देखना जैसे हमने ब्रेकआउट्स आपको बताए हैं वॉल्यूम्स के एक्चुअली ये जो फॉर्मेशन uh, है ना इस फॉर्मेशन का पर्टिकुलर अपना एक नाम है लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम करना नहीं चाह रहे हैं इसका नाम बताएं और इसमें वॉल्यूम के क्या अपने यूजेस हैं वॉल्यूम्स के क्या यूज हैं वो हम बताएं तो उतना कॉम्प्लिकेट हम नहीं करना चाह रहे इसको तो इसीलिए अभी के लिए तो फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम हमने आपको कुछ बताया नहीं अदरवाइज इन फोर कैंडल्स की फॉर्मेशन का अपना कुछ नाम होता है और वॉल्यूम के पर्टिकुलर यहाँ पर फैक्ट्स बनते हैं वॉल्यूम की अपनी होती हैं धीरे धीरे करके आगे जब हम लोग चलेंगे तो हम सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे अभी के लिए वॉल्यूम का यूज जो आप करोगे वो सिर्फ डेली टाइम वो सॉरी हायर टाइम फ्रेम पर करोगे आप वाली टाइम फ्रेम क्लियर ना इस तरह से काम करोगे एक एक चार्ट जो आप ट्रिएट करोगे हमें व्हाट्सएप करोगे एक एक चार्ट जी जान लगा करके काम करना जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा इसी के आधार पर आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरह के प्रोजेक्शन आप फाइंड करके दो गोगे अच्छा एक चीज और नाइन पर जिन लोगों की क्लास थी लॉस डाटा वाला जो नया ग्रुप हमने आप लोगों का बनाया है नाइन थर्टी पर जिन लोगों की क्लास थी तो आप लोगों का तो ट्रेड डिस्कशन है आज लेकिन आपसे पहले जिनकी क्लास चल रही उनका थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो गया है तो जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लगा इसमें तो हो सकता है आपकी क्लास आज ना हो पाए ट्रेड डिस्कशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और बाकी आपके ग्रुप में हमने दो चार स्कैनर शेयर किए हैं करीब आठ से दस स्टॉक्स के नाम शेयर किए हैं और उससे रिलेटेड भी कुछ डिस्कशन हमें करना था वह हम कल ही करेंगे और ट्रेड डिस्कशन जो भी करना वो भी हम कल करेंगे तो आप लोग रहिए क्लास में जो भी, जो भी हो रहा है उसको देखिए जो तो फिलहाल आप लोग ये एक्सरसाइज तो कर ही चुके टाइम फ्रेम वाली वो हम इन लोगों को बता रहे थे सब लोगों को तो आप इसको देखिएगा बाकी आप लोगों से जो भी डिस्कशन है मेरा जिन लोगों की क्लास नाइन थर्टी पर थी क्लास में बिजी थे तो आपका तीन चार पांच मिनट तो थोड़ा सा लेट लिंक भी हमने दिया था उसमें लेट हो गया था ध्यान से उतर गया तो वो लेट हुआ फिर तो ट्रेड डिस्कशन हम कल कर लेंगे आपका चलिए अब आ टाइम फ्रेम यहाँ पर हमने लगा रखा ऑलरेडी हमें स्टॉक्स निकालने हैं ऐसे स्टॉक्स जो कि अवली पर एक सही प्राइजेक्शन फॉर्म कर रहे हो अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है याद रखना एक एक चीज हमने आपको बताई है किसी स्टॉक में अगर आप सपोर्ट ड्रॉ कर ले रहे हो तो जरूरी नहीं कि उसमें आपको रेजिस्टेंस मिले ही मिले ही हो सकता है वो सिर्फ सपोर्ट ही बना रहा हो या फिर रेजिस्टेंस ही बना रहा हो तो यहाँ पर प्रॉपर देख लो इस एक जगह पर आपको कोई भी बहुत अच्छी प्राइजेक्शन नहीं दिख रहे प्राइस बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रहा है इसको स्किप करो बता था ना स्किप करो तुरंत स्किप करो एल है एल में क्या हो सकता है देखने से क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है देखने में नेकेड एज एनालिसिस ये कुछ जोन दिख रहे हैं हमको ए ये वाले यहाँ पर क्या किया है मार्के? है मार्केट टाइम फ्रेम देखिए पूरा का पूरा जब जब मार्केट इसे एक जगह पर आई इसने अपना मूव दिखाया बंद हो गई फिर दिखी यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ फिर क्लोज हो गई एक बड़ी सी कैंडल बनी और प्राइस देखिए फिर से इसी जगह पर ये हमको हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन मिल गया

डेली टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम सॉरी हाई हाई वो तो कर लिया अब हम हे एक जगह है। के पर है एंट्री लेने के लिए हमने जैसे बताया था सिंपल वैसे ही काम करना कल मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर सेलिंग हो सकती है क्लियर ना हमने देखो बता दिया एल आई के अंदर सेलिंग है लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है अभी जो भी स्टॉक हम आगे निकालेंगे उसमें बताएंगे नहीं आपको बाई करना है सेल करना है ट्रेंड आइडेंटिफाई तो आपका उस स्कैनर के थ्रू हो ही जाएगा एल आई सी के अंदर हमने बोल दिया आप को चलो सेल होगा तो अगर सेल का मौका मिलेगा हम, हम लोग करेंगे अदरवाइज प्राइस को देखो पढ़ो आपको क्या लग रहा है क्योंकि ज्यादातर तो काम हमने आपका कर ही दिया है कि स्टॉक निकाल करके दे दिया उस स्टॉक के अंदर डेली हाई टाइम फ्रेम पर लेवल कैसे बनेंगे ये हमने बता दिया है लोअर टाइम फ्रेम पर हम लोग एंट्री किस फॉर्मेशन को देख करके लेंगे ये बता दिया एंट्री टारगेट सारी चीजें हमने बता दी अब बस ये काम आप करो कि जिस लेवल पर मार्केट आपकी आ रही है जिस लेवल पर जब मार्केट आपकी आ रही है तो वहां पर उसके प्राइजेक्शन के, के बन रहे हैं उसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि पर्टिकुलर उस स्टॉक के अंदर करना क्या है ये समझ में आया ना नेकेडाइज बिल्कुल देखो सिंपल चार्ट दिख रहा है उस लेवल पर आने के बाद में सारी चीजें हो रही है नीचे की तरफ फिर से उसी जगह पर बिल्कुल अपने डिसीजन के मोड में है जो भी डिसीजन हो रहे हैं होना तो यहीं से है करो काम आउ वाली टाइम फ्रेम इनके भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं मौका मिले शॉर्ट मार देना नहीं चाहते हुए भी देखो ये सही बात नहीं है बताना कि बाई करना ये सब काम आप अपने आप से करना अभी ये पूरी तरह से लोज पर अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल लोज पर है ये भी आपका सपोर्ट एरिया है सपोर्ट डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ है जो आपकी फ्राइडे की मार्केट रही पूरी तरह से यहाँ पर उसने क्लोजिंग की आज की तो मार्केट चलो टॉप तो अभी ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आओ वाली टाइम फ्रेम बहुत प्यारी मार्किंग्स है पीछे से भी है ना इस तरह की मार्किंग्स फाइंड करो एंजल वन हो गया बी एच ई एल बी एच ई एल में भी देखो हमने आवली के अकॉर्डिंग अपने कुछ एरियाज हमने मार्क कर रखे हैं अभी सवाल पूछा था ना किसी ने कि डबल मार्किंग क्यों करते हैं सिर्फ इसीलिए है थोड़ा सा बफर दे देते हैं बफर देने से अब देखो यहाँ पर तो कितना अच्छा सपोर्ट बन रहा है अब हम जबरदस्ती करें कि नहीं ये सपोर्ट हमें सर रेजिस्टेंस भी चाहिए रेजिस्टेंस भी है नहीं तो कहाँ से रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पर डिलीट मारो ना उस चीज़ को सपोर्ट आपने ड्रॉ कर लिया वेट करो प्राइस के सपोर्ट पर आने का नहीं आ रहा दूसरा स्टॉक फाइंड करो जबरदस्ती किसी स्टॉक के पीछे हाथ धो करके लग जाओगे तो फालतू की एनालिसिस होगी वो तो दूसरा स्टॉक उठाइए इंडिगो कुछ दिख रहा है कुछ समझ में आ रहा है हमें तो नहीं लग रहा है हम स्किप कर देंगे इसको ये देखो ए बी कैपिटल हमें यहाँ पर जो सबसे सही चीज दिख रही है वो ये वाला सपोर्ट ही है इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है ये ये वाला सपोर्ट पॉइंट जो भी मूवमेंट हुआ हमें इस सपोर्ट से दिख रहा है तो प्राइस भी काफी दूर है हमारे एरिया से प्राइस जब इस वाले एरिया पर आएगा हम एक्टिव होंगे अदरवाइज वॉच करेंगे होता है ना इतने सारे स्टॉक है मेरे पास ज्यादातर आप देखोगे ना ज्यादातर हम इन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड कर देते हैं ज्यादातर ठीक यहाँ पर लीजिए अपोलो हॉस्पिटल गिरते ही चला जा रहा है बेचारा आवरली आवरली नहीं ये इतना फाइन नहीं है ये इतना फाइन नहीं ज्यादा दूर के मत लेना अच्छा बहुत ज्यादा दूर के मत लेना पास के लेवल्स निकालना ये लीजिए सपोर्ट इतना अच्छा में नहीं लग रहा है लेकिन रेस्टेंस कितना प्यारा बन रहा है अशोक के अंदर ड्रॉ कर लो वॉच करो एक सही टेक्निक समझ में आ जाए देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको निराशा ही हो या हमेशा आप निगेटिव में ही मार्केट से निकलो ऐसा थोड़ी ना है सही जगह से सही पेशेंस के साथ बैठ करके काम करो क्यों नहीं होगा ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट से आपको बहुत पर्सनल दुश्मनी है लोग कहते हैं अरे नहीं यहाँ तो स्टॉप लॉस हंटिंग चलता है कांटिंग चलता है वो आपका दो सौ रुपये स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट वहां तक जाएगी हजार रुपये हमने लगा दिए स्टॉप लॉस तीन हजार रुपये स्टॉप लॉस लगा के हम काम कर रहे हैं हजारों करोड़ की मार्केट चल रही है तीन हजार रुपए के स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट नीचे की तरफ है उसके पास इतना टाइम है बोलते हैं कि स्टॉप लॉस सेंटर्स बैठे हुए हैं एफ आई आई हैं डी आई आई है अच्छा वो कितने हजार करोड़ की कंपनी मेरा तीन हजार रुपए की स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आएगी उनके पास कोई काम ही नहीं है सही जगह लगा करके काम करो नेक्स्ट वीक आपको रिजल्ट आपके हाथ में होगा जिस तरह से हम बता रहे हैं ना उस तरह से काम करो और उल्टी सीधी एंट्रीज मत लेना अवली टाइम फ्रेम पर जो मार्किंग करना ना बिल्कुल उसी जगह पर एंट्री लेना देखते हैं आपको लॉस होगा हालांकि अभी आपको कोई भी टेक्निक हमने नहीं बताई है ना तो एंट्री लेने की कोई इतनी फाइन टेक्निक बताई है ना तो प्राइस को रीड करने की ऐसी कुछ फाइन रीडिंग्स बताई है नहीं तो डेली टाइम फ्रेम तो अभी हम गए ही नहीं है उसके बावजूद भी जो टेक्निक हमने बताई ना उसको लगा करके काम कर लो ठीक है चलिए आज की क्लास हम लोग ये पर खत्म करते हैं अब क्वेश्चन आंसर अगर कुछ आप लोगों के मन में रह गए हों को डाउट अगर हो तो क्लियर कर लो उसको अभी एक हाँ आशु आशु माइक नोट कीजिए अपने हेलो आपनेशू बोलिए नमस्कार सर नमस्कार सर आपने जैसे बोल रहा ना ये चार कैंडल होने चार से पांच बन जाए अरे बनने दीजिए हमें सिर्फ तीन और एक चार चाहिए उसके अलावा जितनी बन रही है सर और जो जैसे क्या है जैसे जो रेड कैंडल है ना बाइंग वो दूसरी कैंडल को लो ब्रेक करे उसके बाद भी कोई नहीं उसके बाद नहीं फोर्थ फोर्थ कैंडल ही होनी चाहिए जो कि हमारी सेकंड वाली कैंडल का लो ब्रेक करे जैसे का वाइस वर्सा फोर्थ कैंडल ही ऐसी होनी चाहिए जो कि सेकंड वाली कैंडल का हाई ब्रेक करे ठीक है सर तो सर एक बात और पता करनी थी हेलो हाँ हाँ बोलिए ना हेलो सर जैसे ये जैसे आपने पिछले उसमें लो लो तो लो फायर हार बता था हुँ. लो तो लो फाइट फाइव तो जैसे तीन कैंडल में अगर बात करें ना पहली दो कैंडल है या मान लीजिए तीन कैंडल

तो रुके पहले हम बाकी लोगों से डिस्कशन कर लेते हैं तो आते हैं फिर हेलो सर हाँ सतीश सर बोल सर जी आ, मैं सिक्स जनवरी के बैच से हूँ okay.

नहीं 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 अवाली टाइम फ्रेम ये नहीं हुआ सर हमारा एक तो बोली सुनिंग नहीं, 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 नहीं। नहीं। हाँ, तो हाँ, तो में ही बताना चाहिए ये तो शुरुआत में क्लियर कर देते फर्स्ट चैप्टर यही होता है जी सर वही दो तीन बार आपने वीडियो में जिक्र भी किया था पर हमें मालूम ही नहीं था क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको फोन करके भी बोला था ये मेरा क्लियर नहीं हुआ है तो फिर हम आपको रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं अभी क्लास खत्म होने के बाद ही तुरंत रिकॉर्डिंग भेजते हैं सर सभी को भेज दे हाँ, में। में, में okay, तो देख भी नहीं पाया मैं लेट हो गया तो मेरे को तो समझ में भी नहीं आया मैं शायद आपको बोला था वीडियो मैंने भी पूछा था नहीं सर मेरे को भी नहीं मिला मैंने भी आपके ग्रुप में एक हमने वीडियो शेयर किया था सर वो तो आधा है नहीं नहीं हाँ, उस, वीडियो सर, में, वो है। उस वीडियो में क्या क्या बताया था हमने लॉस नहीं नहीं एक, एक, अच्छा, लगा क्या टारगेट था वो बताया आपने अच्छा साढ़े सात बजे क्लास थी ना आपकी जी 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 सर हम वेट कर रहे थे साढ़े नौ का तो मैंने तो आठ बजे देखा

तो आपने अभी वो जो ये मार्किंग करने के लिए कहा था है ना वो वन आवर में कर रहे हैं हम लोगों को हाँ बनावट में जो कैंडल आपने बोले ना सर तीन ग्रीन उसके बाद एक चौथी कैंडल जो रेड का वो फाइव मिनट्स में जाके करना है ना सर हाँ फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम पर करेंगे आवरली टाइम फ्रेम पर जो जो एरिया निकलेगा ना या जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उस लाइन के पास में ही हमें चाहिए फाइव मिनट पर वो फॉर्मेशन

एक के लगाया तो उस एक रुपए के बदले हमें तीन चाहिए मार्केट से है नहीं है। हमने सिर्फ हम एक रूपये का लॉस ही बियर कर सकते हैं तो या तो हमें एक रूपये का लॉस चाहिए नहीं तो हमें तीन रूपए का प्रॉफिट चाहिए बस ओके अभी जो फॉर्मेट आपने मुझे करने के लिए कहा अभी कल करना है

जी सर जी सर सर ये वन अवर के ऊपर जो चार्ट आपने बताया कि चेक करना है उसके ऊपर बताए तो था कि जब आपके लेवल पर मार्केट आएगी आप ड्रॉ करोगे वहां पर ब्रेकआउट होंगे अभी तो बताओ नहीं, जो जो नहीं जो सपोर्ट निकालना है हमने उसमें चेक करना है वॉल्यूम या नहीं चेक करना है सिर्फ सपोर्ट निकालना है

या वो अभी समझ में आ गए और ये दूसरी चीज सर ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे आपने बताया तीन ग्रीन एंड फोर्थ वाली वाली जो रेड हो रेड होगी हाँ। वो सेकेंड वाली के लोएस्ट को ब्रेक करेगी या ब्रेक नहीं करेगी ब्रेक करेगी अच्छा अगर नहीं करेगी तो नहीं ट्रेड करना है तो फिर वो सही फॉर्मेशन नहीं आपको स्विंग नहीं मिलेगा ओके वो ब्रेक स्विंग बन जाता है अच्छा वो ब्रेक करके अपना जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग कहीं भी करे

उसके ऊपर ही करनी है ठीक है और उसमें 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 वॉल्यूम नहीं नहीं नहीं, चेक करना है, नहीं, नहीं, उसमें, उसमें नहीं? करना करना है, 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 मिनट। होता होता के पर ये जो फॉर्मेशन लेकिन अभी मत करना। है। हम बता देंगे। ठीक ठीक है, है, समझ आएंगे हम्म उसके रिगार्डिंग आप कॉल करके कुछ बताने वाले थी। ठीक है तो मुझे कुछ कॉल करने नहीं आई तो अभी आपकी क्लास खत्म हो गई ओके नहीं आपने अभी नाइन थर्टी पे बोला था ना नाइन थर्टी पे नहीं 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 क्लास तो नाइन थर्टी पर क्ला, हम क्लास की बात कर रहे हैं कि जो पूरा सिलेबस है आपका पूरा पूरा कोर्स हो हाँ, हो जाएगा तब ओके ओके उसके बाद हाँ

अगर नहीं मिलती तो बता दीजिएगा हिमांशु हमको हम शेयर कर देंगे ठीक है हम मोहित मैं क्या कमेंट कीजिए हाँ जी सर जी मोहित बोलिए सर मैंने मैं नहीं कर रहा था सॉरी वो पहले वाला होगा शायद अच्छा 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 नमस्कार सर नमस्कार शशि नमस्कार सर सर ये ना क्लास ग्रुप में ही शेयर कर देना सर 1 आवर वाली में 1 आवर की वीडियो हां जो अभी ली ना आपने सर जो हां ठीक 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 क्योंकि सर मुझे कुछ लग रहा है शायद आपने तो हमें जो ट्रेनिंग हुई थी ना हमारी उसमें सिंपल मार्किंग करने के लिए भेजी हुई हमने पर बोलिंग के बगैर और लोअर टाइम के और ब्रेकआउट जो आप बोल रहे हैं ब्रेकआउट ब्रेक, ब्रेक कुछ भी करना है वो उसके बारे में नहीं बताया सर हमने सिंपल मार्किंग करके भेजी थी इसमें कुछ है मुझे आपको हमने हाँ जी नहीं नहीं वो तो बताइए सर पर ये वन आवर की कुछ उस पर नहीं है कुछ डाउट है चलिए तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे देख लीजिएगा कुछ सर ठीक है ठीक ओके हेलो सर जी जी गिरीश बोलिए हाँ सर जी मैं अपना लॉस डाटा वाला बैच से हूँ ठीक सिक्स जनवरी हाँ हाँ तो सर वो डिक्रीजिंग लोज और फॉलिंग रोज पैटर्न है ना वो भी हमारा वो वन ई बैच है सर decreasing lows और हां हम समझ रहे वो आज हमें कंप्लीट करना था आज हम मूड में थे वो वाला कंप्लीट कर देंगे लेकिन इसी में टाइम लग गया और जो आपने अभी अर्ली पैटर्न का जो किया है ना सर उसमें वॉल्यूम का हमको वैसा कुछ बताया नहीं था आपने चलिए ये आपका क्लियर हो जाएगा आवरली वाला तो हमें वो अभी आपने बताया हमको कि आप लोगों का नहीं हुआ तो, वो तो... लेकिन सर एक विनती है आपसे हेलो हां बोलिए

उसकी रिकॉर्डिंग तो ले लीजिएगा हमसे रिकॉर्डिंग सर हाँ इसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा हमसे रिकॉर्डिंग जी जी व्हाट्सएप पे करूँगा व्हाट्सएप पर करिए हो सकता है हम कल इसको पब्लिश ही करेंगे आपका पूरा वीडियो उसको देखिएगा व्हाट्सएप so, पे सर व्हाट्सएप पे नहीं पब्लिश कर देंगे पब्लिक पब्लिक कर देंगे उसको YouTube पर हम अपलोड कर देंगे अच्छा ओके सर वहीं पर मिल जाएगा आपको जी मनीष माइक कम्यूट करिए गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर मुझे पूछना था ये वन आवर का आपने बताया कि जो हम लोग एक ड्रॉ करेंगे वो एक जोन रहेगा तो ये जोन अगर है तो हम जब आ, फाइव मिन, आ, फाइव मिनट्स वाले टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम चार फॉर्मेशन देखते हैं आ, तीन ग्रीन के और एक रेड का एंट्री जो बनेगी हमारी वो होगी हाईएस्ट ऑफ

और ये मेरा 15 मिनट स्टॉक्स के अकॉर्डिंग अब हम ये इमेजिन करें कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ठीक तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अपनी आवली टाइम फ्रेम की मार्किंग के पास में प्राइस के का वेट करते हैं अच्छा और जब हमें वो फॉर्मेट अपने दिखाई पड़ते हैं कि जैसे यहाँ पर एक दो तीन तीन ग्रीन कैंडल और इसमें सेकेंड वाली कैंडल का देखिए लो ब्रेक हुआ इस जगह यानी कि ये हमारा एक प्रॉपर स्विंग बन गया तो अब इसके ऊपर अगर मार्केट गए तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हम लोग कंसिडर करते हैं लेकिन ये हरकत यहां पर होनी चाहिए इसकी और अगर शॉर्ट अच्छा। सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग करनी है तो कैसे काम हम लोग करेंगे फिर जैसे यहां पर बिल्कुल एक दो तीन पर देखें अगर सेल करना है तो एक दो तीन हुँ. तीन, बन अब इन तीन में से देखिए ब्रेक हुआ। ब्रेक हुआ, हाँ। तो आपका सपोर्ट, अच्छा। तो सपोर्ट ब्रेक करे शॉर्ट ठीक है तो स्टॉप लॉस जो लगेगा वो स्विंग का लो हाँ सेल कर रहे हैं तो स्विंग हाई का सेल और बाइक कर रहे स्विंग लो का स्टॉप लॉस थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होगा क्योंकि हो सकता है इस तरह के फॉर्मेट जैसे हम बोल रहे हैं बहुत कम दिखाई पड़ते हैं मार्केट आपका रेजिस्टेंस पर आए और रेजिस्टेंस ही बना करके नीचे की तरफ चला जाए वहां पर आपको सपोर्ट के ब्रेकआउट हो सकता है दिखाई ना पड़े जैसे यहाँ पर देखिए एक दो तीन ग्रीन कैंडल बनी क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन अपनी नहीं बनी है ग्रीन कैंडल अपसेट की तरफ मार्केट गई और वहीं से जाकर के फिर सीधे नीचे गिर गई तो हो सकता है अभी ऊपर की तरफ जाए और कोई सपोर्ट ना बनाए सपोर्ट नहीं बना नीचे की तरफ गिर जाए गिर जाएगी तो फिर गिर जाएगी हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे वो लेकिन जैसे ही हमें दिखाई पड़ा कि मेरे फॉर्मेशन इस जगह पर जाते एक, दो, तीन, एक ग्रीन और रेट, रेट बनी और बनी वाली का हाई ब्रेक हुआ हम क्या हैं ना फिर स्विंग मार्क कर लेते हैं पर करने के बाद में जो भी सबसे मेरा होगा चाहे तो ये चाहे ये ब्रेकआउट करने के बाद में हम नीचे शॉर्ट सेलिंग करते हैं इस एक पर तो प्रॉपर में वेट करना होता है कि स्विंग बने वरना क्या होता है ना प्राइस ऊपर की तरफ गया यहाँ गया और सीधे नीचे गिर गया प्राइस ऊपर गया और नीचे गिरी इसने कोई स्विंग नहीं बनाया अच्छा स्विंग नहीं बनाने की वजह से हमें स्टॉप लॉस नहीं मिलता है तो हमें चाहिए कि प्राइस इस जगह पर जाए और थोड़ा सा सस्टेन हो वो नीचे की तरफ गिरे इस तरह से अब हम ट्रेड कर देंगे ये जो होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है ये वाला काम कि प्राइस अपसाइड की तरफ गया और यहाँ पर जाते ही जैसे ही मेरे लेवल को इसने टच किया वैसे ही कोई भी एक मदर कैंडल बना दे मेरी स्लैंड को टच करते ही कोई एक मदर कैंडल बनाया जैसे उस मदर कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हम मार देंगे शॉर्ट स्विंग है स्टॉप लॉस चला जाएगा तो यूज आप मदर कैंडल का भी कर सकते हो बिल्कुल इसी जगह पर लेकिन जो फॉर्मेशन अभी हमने बताई वो थोड़ा सा टाइम डी के प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यहाँ पर उस फॉर्मेशन के बनने का थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ता है कई बार होता है कि वो फॉर्मेशन नहीं बनी मार्केट नीचे चले गए अब हम बैठे हैं अपना वेट कर रहे हैं बनेगी बनेगी मार्केट क्लोज हो गई खत्म हो गई तो अगर नहीं उतना पेशेंस है फिर भी ट्रेड करना है तो यहाँ पर एक वेट कर लो मदर कैंडल के फॉर्म होने का मदर कैंडल बन जाए मदर कैंडल में वॉल्यूम के देखो कुछ यूज होते हैं लेकिन अभी अगर हमें वॉल्यूम्स को नहीं देखना है सिर्फ आप मदर कैंडल को देखो मदर कैंडल का ब्रेकआउट जैसे डाउन साइड की तरफ को ट्रेड मार दो जो है माय कंफ्यूजन ना आ, सर आ, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है हु, आ, हमें पूरी पूरी क्लास की हम अब जो हम फाइव मिनट के ऊपर जहाँ पे एंट्री के टाइम पे आए थे ना वहाँ पे हमारा नेटवर्क चला गया था ओके ओके तो उतना पोर्शन थोड़ा सा छूट गया है उसके बाद हम कनेक्ट हो गए तब चल रहा था स्टॉप लॉस लेटेस्ट स्विंग का अच्छा हमने वन आवर पे मार्किंग कर ली फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पर आ गए फिर वहां पर जब एंट्री लेना था एंट्री आप जब समझा रहे थे वहां पे हमारा नेटवर्क चला गया था प्लीज अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर दें हम रिपीट नहीं हम इसकी रिकॉर्डिंग पब्लिश करेंगे जो तो, है तो आप उसको ओके सर बहुत, पूरी, बहुत, पूरा पूरा रहे रहे नहीं रहेगा रहे कुछ-कुछ पोर्शंस कट करके हम शेयर करेंगे लेकिन जो चीज आप बोल वो वो, रहे हो वो रहे पूरा क्लियर है सर बस एक छोटा उतना ही रहेगा हमसे कोई नहीं बात नहीं, नहीं।, सर, हम नहीं।, 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 नहीं हम देख लेंगे हम शेयर कर देंगे आप देख लीजिएगा फिर भी लगे देखने के बाद में भी लगे कुछ डाउट है तो कॉल कर लेना रूपचंद जी माइक ऑन कीजिए

अब सात सौ रुपए के स्टॉक में आप चार रुपए का या तीन रुपए का कोई जोन बनाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सात सौ रुपए के स्टॉक स्टॉक है ना तो कोशिश करो थोड़ा सा जीरो जीरो पॉइंट थ्री या जीरो पॉइंट टू परसेंट के अंदर का जोन बने जैसे ये ये हमें ठीक लग रहा है सात सौ छिहत्तर और एक है सात सौ सतहत्तर पर अब आपको डर नहीं लगेगा चाहे वो सात सौ सतहत्तर पर छिहत्तर पर बातें किए बहुत बड़ा जोन जब इस तरह से क्रिएट कर तो गड़बड़ हो जाएगा आ, सारे, सारे। उसको कम रखो सात सौ रुपये का तो एक रुपए का दो ये सिंगल लाइन ही है मान लीजिए ये स्विंग हमने ड्रॉ कर दिया ये हो गया ये डेली टाइम फ्रेम पर हम जो ड्रॉ करते हैं वो तो सिंगल लाइन ही होती है उसमें तो डबल लाइन होती नहीं अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल सेवन फाइव जीरो की लाइन हो गई अब हम क्या करेंगे ना ट्रिपल जीरो ट्रिपल सेवन है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं दस बीस पैसे नीचे और थोड़ा सा दस बीस पैसे ऊपर ये बात है तो हम बीच की लाइन को डिलीट करके दो लाइन छोटी छोटी डाल देते ऐसे अगर आप देखोगे तो सेंटर में एक लाइन छोड़ दो डिलीट कर दो ये हो गई एक लाइन सर। जैसे हिसाब सर से भी वो मार्किंग करते हैं तो पे कभी कभी सर समझ नहीं आता रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि सर कभी ऊपर कभी नीचे तो एक जोन बन जाता है सर तो वहां पे थोड़ा सा सर दिक्कतें आती हैं सर नहीं बहुत बड़ा अगर प्राइस के अंदर आप वो रखो गैप, रखो, गैप रखो, तो दिक्कत आएगी कम गैप रहा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी जीरो पॉइंट मदर कैंडल को मार्क करते हैं सर

प्राइस अगर अगेन नहीं ना डाउन साइड की तरफ आपका रिजेक्ट हो रहा है शॉर्ट सेलिंग जो फॉर्मेशन हमने बताई है आपको चार कैंडल्स की अगर वो बन रही तो ठीक है अदरवाइज आपको ऐसा लगे नहीं, यार ये फॉर्मेशन तो बहुत लेट हो रही है क्योंकि काम बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और बनती बहुत कम है तो यहाँ पर एक मदर कैंडल की फार्मेशन ले लो मतलब नेकेट मत करना कि जैसे प्राइस टच हुआ हमने तुरंत शॉर्ट मार देना कोई भी एक मदर कैंडल ले लो मदर कैंडल के ब्रेकआउट जैसे ही हूँ अपडेट कर दो बाकी टेक्निक तो बहुत सही है तो हमने आपको कुछ बताया ही नहीं है कोई भी टेक्निक बताई ही नहीं है वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक है प्राइस एक्शन से रिलेटेड है तो फिलहाल के लिए तो उन चार चार्डल्स को पकड़ो अदरवाइज एक मदर कैंडल के को पकड़ लो मदर कैंडल के ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ शॉर्ट मार दो तो एक ट्रायल बेसिस पर ट्रायल परपज से हम लोग नेक्स्ट वीक पूरा ट्रेड करेंगे पूरा ट्रेड करेंगे तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीक देखते हैं वापस से बाकी कल जो क्लास होगी कल जो लॉस डाटा वाला ग्रुप है जिनकी आज नौ साढ़े नौ बजे क्लास क्लास हो नहीं पाए तो उनकी क्लास हम कर लेंगे तो आप लोग भी ग्रुप में रहोगे आप लोग भी कल की क्लास में रहोगे लेकिन एज ऑडियंस रहोगे उसको सुनना जो भी डिस्कशन लोग करेंगे ना उसको सुनिएगा बाकी काम आप लोगों को पूरी विक वही करना जो आज हमने बताया है क्लियर चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं और कल मिलते हैं वापस कल नाइन थर्टी पर होगी सभी लोगों की क्लास नाइन थर्टी पर होगी और हम ट्रेड डिस्कशन करेंगे सिर्फ ट्रेड डिस्कशन होगा बाद में क्लास खत्म होगी ओके गुड नाइट लोगों को गुड नाइट